Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार जी, लेट्स गो एप्पल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में आज हम, इससे पहले हमने पॉड रिव्यू के बारे में चर्चा की, अब हम चर्चा करेंगे वूली एप्पल एफिड के। मैं जानता हूँ कि ये इस समय पे कभी नहीं आता था वूली एप्पल एफिड, अक्सर इसके बारे में अक्टूबर नवंबर में लोग चिंतित रहते थे। तो आज हम चर्चा करेंगे वूली एप्पल एफिड के बारे में, वो क्यों आया और कैसे आया, इतनी जल्दी क्यों आया और उसका नियंत्रण कैसे होगा। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा निकी जी आपका। धन्यवाद। सर, ये वूली एप्पल एफिड, जैसे मैंने कहा कि ये इस साल बहुत जल्दी बगीचे में दस्तक दे चुका है, तो सर इसका क्या कारण है, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे। पहले तो ये जो मौसम है उसके लिए बड़ा कंडीशन अच्छा मौसम है वूली एप्पल के लिए, और वूली एप्पल एफिड तब आता है ज्यादा जब हम कोई इंसेक्टिसाइड करें जो उसके प्रीडेटर को, जो मतलब जो उसको खाता है वूली एप्पल एफिड को, वो खत्म हो जाए, तो उसकी वजह से ज्यादा चांसेस होते हैं कि वूली एप्पल एफिड आपके जल्दी आ जाए। ओके सर, ये इसको किस तरह से देखना चाहिए किसान को, कि इसको सीरियसली नोटिस करें कि अभी अवॉइड कर सकते हैं इसको? नहीं, ऐसा होता है कि जब आपके इनिशियल स्टेज में वूली एप्पल एफिड आता है जी, तो कहीं एक टहनी यहाँ होती है, एक टहनी दसवें पेड़ में होती है, अगर आप छोटी सी मशीन को उस वक्त कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं फैलेगा। ओके सर, इसकी अगर हम बात करें कि स्पॉट ट्रीटमेंट एक लोग कर रहे हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि उसका जो ट्विग्स है उनको रिमूव कर रहे हैं, क्या ये करना सही है? एक मैं आपको पहले, उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तक 50% लोग ये सोचते हैं कि वूली एफिड वो होता है जो व्हाइट पाउडर होता है। एक्चुअली वूली एप्पल एफिड अगर उस पाउडर को आप डंडे से उठाएंगे उसके पीछे कीड़े होते हैं, कीड़े होंगे हाँ जी, जो कि 50% लोगों को पता नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से, और बहुत बड़ा कीड़ा होता है, आपको ऐसी आंखों से दिख जाता है, वो उनका एक्सट्रीटा होता है जो व्हाइट वहां को पाउडर दिखता है। अब वूली एप्पल एफिड का ये हिसाब है कि अगर वो टहनियों में घुस गया तो उसके अगले साल के आपके बीज में खराब कर लेगा, आंखें खराब कर लेगा। okay. और इसकी मूवमेंट होती है मार्च अप्रैल में पेड़ की तरफ जाता है, और सितंबर और अक्टूबर में मतलब की हाइट के हिसाब से ये जाता है। सर, इसके लिए रोकथाम के लिए जो स्प्रेज करते थे अक्सर लोग अक्टूबर या नवंबर में प्लान करते थे, मेरे ख्याल से अगस्त में भी कर लेते थे, तो इस साल सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि लोग चाह रहे हैं कि हम स्प्रे करें, बट उनका दूसरा डर क्या है कि यार माइट आ जाएगा इससे। हाँ, इससे ना बहुत सालों से सबसे इफेक्टिव जो इलाज था होता क्लोरोपाइरीफॉस जी, डर्मेट करते थे, डर्मेट जिसको हम बोलते, डर्मेट क्या बहुत नाम हो जाता, बहुत नाम हो जाता है जी, तो अब उसको उसकी स्प्रे करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो जो माइट के प्रीडेटर है उसको मार देता है, उसको मार देता है, तो उसको मार देगा तो माइट पड़ेगा जी, तो ये एक दुविधा में लोग पड़ गए हैं। तो अब आपको स्प्रे तो करनी पड़ेगी, नहीं तो वूली एप्पल तो आपको, अगर आज आपके चार टहनों में चार जगह है तो अगर मौसम ऐसा ही रहा, बारिश नहीं आई, तो वो 40 टहनों में हो जाएगा चार दिन बाद। तो इसका प्रिकॉशन दो तरीकों से होता है, एक तो जब मूवमेंट होती है जड़ों से पेड़ में और पेड़ से जड़ों में, तो उस वक्त आप डंजिंग कर सकते धंधे के पास जी, बगैर खोदे ऊपर से आप दवाई डाल दो, और दूसरा ये कि आप जैसे पिट्ठू मशीन होती है हमारे पास, सबको सबके पास होगी इलेक्ट्रिक या हाथ वाला स्प्रे होता है, उससे जहां जहां आपके शुरुआत में दिखता ना वहां उसको मार दो, फिर वो इतना ज्यादा नहीं फैलता। सर, इसी से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, इसमें दो चीजें आ रही है सामने, किसान कह रहा है कि या तो मैं स्पॉट ट्रीटमेंट करता हूँ या क्या मैं पूरे ऑर्चर्ड में स्प्रे करूँ? नहीं, अगर आप कम शुरुआत हुई है तो स्पॉट ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, मतलब अगर किसी के पास 100 पेड़ अगर 10 पेड़ में है तो सिर्फ 10 पेड़ में, 10 पेड़ में नहीं होता, शुरू में ऐसा होता है कि एक पेड़ में तो एक टहनी में, दूसरे पेड़ में कहीं और है, तो वो स्पॉट ट्रीटमेंट बड़ा आसान है, एक हफ्ते बाद अगर उस स्पॉट ट्रीटमेंट को रिपीट करेंगे तो आपका वूली एप्पल खत्म हो जाएगा। सर, ये भी पूछा गया किसान भाई द्वारा कि अगर पहले दिन बारिश हो या एक दो दिन पहले बारिश हो, उसकी जो वूली जो कवरिंग है, जो उसका शेल है जो प्रोटेक्ट करती है, वो धुल जाती है, उसके बाद अगर हम इंसेक्टिसाइड करते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है, क्या ये बात सही है? नहीं, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उस पे पानी भी गिराओगे ना, उस पर जो वाइट वो होता है एक्सक्रीटा का, तो वो एकदम नीचे गिर जाता है जी, दवाई अंदर तक जाती है अगर आप उसके बगैर भी करो तो। इसी को कंटिन्यू करता हूँ कि उसमें पेनिट्रेट करने के लिए कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इसमें स्पेडल डालो आप, उसकी वजह से आपकी जो वूली है उसमें पेनिट्रेट कर लेगी आपकी। सबसे पहले बार जो पहले स्पेडल जाते थे वो बड़े सिंपल थे जी, और ज्यादातर स्पेडल बेसिकली सोप है, तो ऐसा ना हो कि आप किसी दवाई के साथ रिजेक्ट कर जाए। Okay. और अब ये हो गया कि जितनी दवाई आ रही है उसमें स्पेडल एक्चुअली मिक्स करके आ रहे हैं, पहले से ही आ रहे हैं ज्यादातर दवाइयों में, तो ऐसा कुछ नहीं कि स्पेडर डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है,
और अगर आप शुरू से इसकी ट्रीटमेंट शुरू करें, बहुत लोगों ने इस्तेमाल की क्योंकि जल्दी आ गए उलिया, फिर सबने ये पूछा कि जहाँ जी शुरू हो गया तो मैंने कहा मशीन से करो, उनको कंट्रोल भी हो गया। अगर नहीं होता कंट्रोल तो फिर तो पूरे बगीचे में आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। सर एक और क्वेश्चन था इस पे किसान का कि ऐसा कोई है, ऐसा कोई उपाय है कि जैसे अब जिसके ज्यादा आ गया उसको क्लोरोपाइरीफॉस करना पड़ेगा, उसको डर है कि माइट आ जाए, तो ऐसा कुछ है कि हम कोई एक सिंगल स्प्रे करें, है तो दोनों डिफरेंट कैटेगरी की माइट भी ना आए? जो हमारी सिंगल स्प्रे होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी जी। अच्छा, उससे क्या होगा कि वो लिया फिर आपके तो आ जाएगा 15-20 महीने बाद, और क्योंकि प्रीडेटर सारे मर जाएंगे जी। डर्मेट कैसा कि और वो इतना ज्यादा इसको कंट्रोल भी नहीं करता, दवाइयाँ तो और भी है इसकी जो ज्यादा अच्छे डर्मेट से, पर यहाँ अवेलेबल नहीं हो, जैसे वेमिडिथोन के नाम की को है केमिकल, तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। पर इस वक्त जो मेरा अपना प्रैक्टिकल हुआ है कि क्लोरोपाइरीफॉस से अच्छा इसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक एक्स्ट्रा स्प्रे आपको माइट की करनी पड़ती या आता है, जरूरी नहीं कि ऐसे 100% आएगा। जब बारिश शुरू हो जाएगी, बरसात शुरू हो जाएगी, तो इतना जल्दी माइट नहीं आता है। तो इस स्टेज में जब पत्ता आपका मैच्योर हो गया, अगर एक दो माइट है भी, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। बॉटम लाइन ये कि आप कह रहे हैं कि माइट के चक्कर में ना पड़ के उलिया ब्लाइफिड को कंट्रोल किया जाए, बहुत ज्यादा अगर बहुत ज्यादा है नहीं तो काफी खासा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत नुकसान होगा, वो फिर 2-3 साल तक नुकसान चलेगा जी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नेगी जी आपका, आप हमारे साथ। विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।